हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द सी बी एस ई गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम सर और स्वागत करता हूं आपका द सी बी एस ई गुरु यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू कर चुका हूं, जहां पे मैंने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई है। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था एटम जो है इनडिविजिबल है, ठीक है, लेकिन बाद में ये डिविजिबल हुआ। बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारी चीज़ें हमें इसके बारे में मालूम चली। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम कैसे चला हमको, क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ऐसा कौन सा चीज़ किया गया था जिससे हमें मालूम चला कि भाई इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ भी होती है। पहले तो ये इनडिविजिबल कहा जाता था, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि फराडे साहब ने किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे सर जे जे थॉम्सन साहब आए, उसके बाद जैसे चीज़ें चलती रहीं, इस हिसाब से जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद से ही जो हम वहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर का वहाँ पे संरचना हमें मालूम चला कि एटम के अंदर किस तरीके से संरचना होती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, आप लोग जानते होंगे, तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, चलिए पढ़ते हैं। जो हम इलेक्ट्रॉन है, जो एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन जहाँ से डिस्कवर हुआ था, उसको जानने से पहले सबसे पहले एक चीज़ हमें बात गांठ बांध लेनी है। क्या बांधनी है वो मैं बताता हूँ। ये चीज़ गांठ बांध लेनी है, याद रखिएगा ये चीज़ आप लोग। Like charges repel each other. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दो चार्ज, दोनों लाइक चार्ज, दोनों सेम चार्ज अगर आसपास लाएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से रिपल्सन होगा, एक दूसरे को ढकेलेंगे, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये लाइक चार्जेस का प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी होती है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। मानिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपने पास, एक दूसरे को खींचेंगे। अगर दो चार्ज अगर सिमिलर चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों नेगेटिव अपोजिट चार्ज होते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति खींचेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ये दिमाग में रखिएगा, आगे वही चीज़ काम आने वाला है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि फराडे साहब ने किया था। तो फराडे साहब ने 1850 के लगभग ये एक्सपेरिमेंट शुरुआत किया था, लेकिन उससे पहले 1830 में उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट पे ये एक्सपेरिमेंट किया था कि दो इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रोलाइट में डुबाते हैं तो वहाँ पे हमें ये मालूम चलता है कि कुछ कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट से टूट के इलेक्ट्रोड पे आ गए हैं। अब इस चीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस मैं क्लास 12th के केमिस्ट्री में करूँगा, अभी तो क्लास 11th पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये जान ले तो बेहतर है, ठीक है। देखिए उन्होंने, फराडे ने 1830 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, यहाँ दिखाई दे रहा ना, उन्होंने एक बार लिया, एक फ्लास्क लिया जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से आसानी से टूट सकता है, ठीक है। उन्होंने कोई भी सॉल्यूशन लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड डिप किया, थोड़ा इलेक्ट्रोड को अच्छे से दिखा दें तो अच्छा लगता है, ठीक है। उन्होंने दो इलेक्ट्रोड डिप किया, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जब हो रही थी उस समय बैटरी का इन्वेंशन हो चुका था, तो हम इसमें बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। ये बैटरी के दिखाने का साइन है, आप लोग याद भी रखिएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव, जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव होता है, जो छोटा वाला होता है नेगेटिव होता है, ठीक है।
तो इसको हम बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड, याद रखिएगा। ये हो गया मेरा कैथोड और ये हो गया मेरा एनोड, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बैटरी ऑन कर देते हैं, बैटरी ऑन करने के बाद हमने देखा कि इस इलेक्ट्रोड पे और इस इलेक्ट्रोड पे, दोनों इलेक्ट्रोड पे कुछ कुछ मटेरियल अपने आप जाके डिपॉजिट हो गया। उस समय मालूम नहीं था भाई ये क्या मटेरियल है, कैसे डिपॉजिट हो गया, किस तरह का मटेरियल है, आखिर ऐसा कौन सा रिएक्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ था, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ था तो इसमें जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है, आखिर केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने ये स्टडी की थी इलेक्ट्रोलाइट की, इसको आगे बढ़ाते हुए 1850 में उन्होंने और ज़्यादा स्टडी शुरू कर दी, जहाँ पे उन्होंने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब आपके टीवी पे भी लगता है, ठीक है, उसको अभी डिस्कस करेंगे जब एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, तो उसके बाद बताऊंगा किस तरीके से टीवी में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, चलिए अब देखते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। चलिए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, चलिए इसका फिगर बनाते हैं, पहले आप लोग भी फिगर बनाते रहिएगा और नोट कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, थोड़ा कलरफुल कर दे तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट लगेगा पढ़ाने में, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक। हो सकता है कई लोग कैथोड रे ट्यूब के बारे में जानते नहीं हो, अभी बताऊंगा। ये है मेरा कैथोड रे डिस्चार्ज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है मेरा ये, यहाँ पे ये पूरा का पूरा वैक्यूम में रहता है, ये पूरा पूरा वैक्यूम में रहता है, वैक्यूम मतलब कोई हवा नहीं रहता, एकदम एक प्रेस का भी हवा नहीं रहता, ठीक है। अब ये पूरा वैक्यूम रहता है और इसमें जो है गैस भरी होती है, कोई भी तरह का गैस, और याद रखिएगा ये गैस हमेशा लो प्रेशर में बनी रहती है, गैस एट लो प्रेशर, ये थोड़ा नोट करने वाली बात है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में दो चीज नोट करने वाली बात है, जिसमें पहली चीज क्या है, ये पहला चीज है गैस विल बी रिमेनिंग एट द लो प्रेशर एंड हाई बैटरी वोल्टेज, लो प्रेशर गैस का होना चाहिए
और ये जो हम सप्लाई लगा रहे हैं ये हाई सप्लाई होना चाहिए, हाई सप्लाई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, ये हाई होना चाहिए। इसको दो नंबर दे देते हैं, पहला लो प्रेशर गैस, दूसरा हाई बैटरी वोल्टेज। अलग अलग गैस लेके हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है, फराडे साहब ने 1850s में उन्होंने अलग अलग गैस को रख के स्टडी किया है और हाई वोल्टेज रखा है, अलग अलग गैस को लो प्रेशर पे रख के उन्होंने चेक किया कि हुआ क्या। अब हुआ क्या, जरा ये देखते हैं, हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ से हमने सप्लाई दिया, हाई वोल्टेज देना शुरू किया, ठीक है, हाई वोल्टेज देना शुरू किया, अब हुआ क्या, हुआ क्या कि एक इस करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने हाई वोल्टेज दिया क्या हुआ, ये कैथोड से एक स्ट्रीम ऑफ लाइन, ये कह सकते हैं एक स्ट्रीम ऑफ लाइन या स्ट्रीम ऑफ रे, एक तरह का रे जो कि इनविजिबल है, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन एक रे जो है ट्रैवल करना शुरू हुआ फ्रॉम द कैथोड टुवार्ड्स एनोड, फ्रॉम कैथोड टुवार्ड्स एनोड, एक स्ट्रीम ऑफ लाइन फ्रॉम कैथोड टुवार्ड्स एनोड, एक रे निकलना शुरू हुआ जो कैथोड से शुरुआत हुआ और एनोड पे जाके मिला, हमको दिख तो नहीं रहा है। अब देखेंगे कैसे, अब देखने के लिए फराडे साहब ने एक तरकीब लगाई, उन्होंने क्या किया, इस एनोड में छोटे छोटे होल कर दिए, यहाँ पे होल कर दिए, यहाँ पे होल कर दिए, यहाँ पे होल कर दिए, क्या किया उन्हें, उन्होंने एक होल कर दिया, छेद कर दिया जिससे ये रे पार जा सके, और यहाँ पे उन्होंने एक मटेरियल लगाया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट नाम का मटेरियल लगाया जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो बताता हूँ, फ्लोरेसेंट मटेरियल, जो कि एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल उस तरह का मटेरियल होता है, अगर आप उस पर कोई रे डालो, इनविजिबल हो या विजिबल हो, वो चमकता है, उसी प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो चमकता है, जिंक सल्फेट है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सफल आपका जो चमकता है, जिंक सल्फेट यानी जेटन है सबको, ठीक है, यानी फ्लोरेसेंट मटेरियल का काम करता है। और कोई स्ट्रीम ऑफ लाइन यहाँ से अब जो भी है यहाँ से गुजरेगी, स्ट्रीम ऑफ लाइन और गुजरेगी और यहाँ पे शाइन करेगी, तो हमें मालूम चल जाएगा एक रे निकला है, यहाँ से गया, यहाँ पे टकराया और यहाँ पे शाइन करता है। अब इसकी स्टडी शुरू हुई, ये है क्या थे? ऐसा क्या रे है कि भाई यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है? इसी चीज़ का फराडे साहब ने बहुत गहरा अध्ययन किया, बहुत गहरी स्टडी की और उन्होंने कुछ रिजल्ट्स पाए, वो रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ। चलो अब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के कुछ रिजल्ट्स मैं नोट करवाऊँगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से हम रिजल्ट नोट कराते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमने देखा कि कैथोड से एक रे निकला जो एनोड पे गया, एनोड पे हमने उसको परफोरेटेड कर सकते हैं या हमने उस पर होल कर दिया, परफोरेटेड एनोड ले लिया, और उसके बाद वो रे जाके कहाँ टकराया, फ्लोरेसेंट मटेरियल, जिंक सल्फेट या जिंक सल्फाइड कुछ भी आप ले सकते हैं, दोनों ही फ्लोरेसेंट मटेरियल है। मैंने जो है अभी जिंक सल्फेट बताया था, जबकि जिंक सल्फाइड भी होता है फ्लोरेसेंट मटेरियल, कई किताबों में जिंक सल्फाइड लिखा हुआ है, कई किताबों में जिंक सल्फेट लिखा हुआ है, तो आप लोग इसमें डाउट नहीं करेगा, दोनों फ्लोरेसेंट मटेरियल हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे टकराएगा और शाइन करेगा, तो इससे मालूम चलेगा कि इनविजिबल रे है, ठीक है। अब देखिए कुछ इसका रिजल्ट फराडे साहब ने नोट किया, क्या नोट किया ये देखते हैं। पहला उन्होंने ये नोट किया कि कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड,
ये रिजल्ट उन्होंने नोट किया, दूसरा रिजल्ट उन्होंने क्या नोट किया ये देखते हैं। दूसरा रिजल्ट उन्होंने नोट किया कि जो हमारा कैथोड रे है ना, वो इनविजिबल है, इनविजिबल इन नेचर है। कैथोड रे इज इनविजिबल इन नेचर एंड वी कैन नो, हम उसकी इट्स प्रेजेंस बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट मटेरियल। कैथोड रे इंडिविजुअल होता है, हम उसको तभी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या कह सकते हैं दे सकते हैं फिजिकली, जब हम उसको किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल पर ले जाएं तो शाइन करेगा, तो हम उसको देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है टेलीविजन सेट, आपका स्क्रीन पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा रहता है, जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट, एक सीआरटी जिसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, वो आपका पीछे लगा रहता है टीवी पे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम आती है, टकराती है, आपका पिक्चर चलता है, फोटो आता है, वीडियो आता है, जो भी सीरियल आता है, आपका जो भी चीज़ आती है वह इसी तरह आती है कैथोड रे ट्यूब की थ्रू। ठीक है, आइए तीसरा पॉइंट जानते हैं क्या कहा था उन्होंने। तीसरा उन्होंने कहा था कि कैथोड रे ट्रेवल्स, कैथोड रे ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, मैंने दिखाया था पिक्चर में, फोटो बनाया था अभी, कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं। लेकिन चौथा इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम, वह अपने पास से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ, वो अपने पास से डिफ्लेक्ट कब करेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो अपने पास से भटक जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं ट्रेवल करेगा, कैसे करेगा, इट बिहेव एज नेगेटिव, इट बिहेव एज नेगेटिव कैरियर ऑफ चार्ज, वो बिहेव कैसे करेगा, जैसे वो नेगेटिव चार्ज कैरियर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह ही तरीके से बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से, मानिए ये कोई ट्यूब है,
कैथोड एनोड हाई पॉजिटिव चार्ज हाई बैटरी वोल्टेज अब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ऑफ रे कैथोड रे यहाँ पे टकराएगा जो कि फ्लोरोसेंट मटेरियल है ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिंक सल्फेट है जिंक सल्फाइड कुछ भी आप ले लें ठीक है अब यहाँ से टकराएगा ये शाइन करेगा टकराएगा शाइन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का बीम अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेट जा रहा होगा इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया क्या हुआ इस अपना रास्ता बदल देगा ये बिहेव कैसे करेगा ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ठीक है इसी तरह अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ये मैग्नेटिक फील्ड का साइन होता है हो सकता है आप लोग को मालूम हो नहीं मालूम हो तो आगे मालूम चल जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये डिफ्लेक्ट इधर हो गया ये बिहेव कैसे कर रहा है जैसे नेगेटिव चार्ज हो रे कैसी हो नेगेटिव चार्ज हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये सीधे चली जाएगी अगर कुछ लगाते हैं तो डिफ्लेक्ट कर जाएगी अपने पार्ट से डिफ्लेक्ट कर जाएगी ठीक है तो फराडे साहब ने कहा था कि इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इस पाथ व्हेन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इट बिहेव एज अ नेगेटिव कैरियर ऑफ चार्ज ये याद रखिएगा और एक पांचवा चीज उन्होंने कहा था वो भी मैं बता देता हूँ पांचवा चीज उन्होंने कहा था पांचवा चीज क्या कहा था उन्होंने उन्होंने ये कहा था फराडे सर ने कि कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड कैथोड रे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड गैस प्रेजेंट इनसाइड मतलब जो कैथोड रे है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा मेरा इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है इस पर डिपेंड नहीं करेगा कौन सा गैस अंदर है इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस है इलेक्ट्रोपॉजिटिव गैस है इस पर डिपेंड नहीं करेगा वैसे इसमें जो गैस रहता है वो इनर्ट गैस हम फील करते हैं जिससे कोई भी दिक्कत ना हो ठीक है फिर भी कैथोड रे इंडिपेंडेंट रहेगा इलेक्ट्रोड के मटेरियल से इंडिपेंडेंट रहेगा कौन सा गैस फील हुआ है ठीक है ये पांच पॉइंट आपको याद रखना है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हमको मिला किस तरीके से फराडे साहब ने हमको ये सारी चीज़ें बताई ठीक है कि ये नेगेटिव मेन चीज़ क्या है इसमें ये नेगेटिव चार्ज कैरियर है ठीक है और ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपको जानने के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट है तो ये तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब था आज मैंने आपको बताया अगले लेक्चर्स में मैं चार्ज बाई मास का रेशियो बताऊंगा और भी जो थॉमसन साहब ने किया है और पॉसिबल हुआ तो और अदर थ्योरी बताऊंगा नहीं तो ऐसे वीडियो में थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाते रहूँगा जिससे आपको एक एक टॉपिक को डिटेल मैनर में मैं समझा सकूँ मेरे को कोई जल्दी नहीं कि मैं जल्दी से टॉपिक कंप्लीट करूँ मुझे कोई जल्दी नहीं है मुझे बस इतनी जल्दी है कि हर टॉपिक को इतना अच्छा समझा दूँ कि आपको फिर कोई दिक्कत ही ना हो इस पर और कुछ बाकी नहीं है कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में बताने का उसके बाद मैं चार बाई मास रेशियो शुरू करूँगा ठीक है चलिए ठीक है तब तक के लिए नमस्कार।